हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो बता दें दोस्तों, बिग बॉस के लाइव फीड से एक और बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तो बता दें कि टॉप थ्री में प्रियंका चौधरी के साथ पहुंचे एक स्टैंड और इन दोनों का टूट गया बैनर बनने का सपना, तो कौन है जो घर से बेघर हो जाएंगे। तो दोस्तों बता दें, बिग बॉस 16 में टॉप थ्री कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है। इसके साथ ही घर में मौजूद दो सदस्यों का बैनर बनने का सपना टूट गया है। इस लिस्ट में प्रियंका का भी नाम शामिल है। तो वहीं बिग बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले में अब बस 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में घर में टॉप थ्री में कौन होंगे इसकी जानकारी बाहर आनी शुरू हो गई है। फिलहाल शो में 5 कंटेस्टेंट हैं, शिव ठाकरे, प्रियंका चाहर चौधरी, अर्चना गौतम और सलीन भनोट और एमसी स्टैन, इनके बीच फिनाले की जंग होनी है। तो खबर है कि प्रियंका चाहर चौधरी टॉप थ्री में जगह बनाने में कामयाब रही और युविका चौधरी के ट्वीट के अनुसार वह शीर्ष 3 में जगह बनाने वाली इस सीजन की पहली महिला होंगी। तो वहीं शिव ठाकरे टॉप थ्री में मजबूती से खड़े हैं और फिनाले में इस दौड़ से दूसरे कंटेस्टेंट बन गए हैं। अब किस्मत ही तय करेगी कि इस रेस में कौन जीत रहा है। तो दोस्तों बता दें, इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर जगह बनाई है एमसी स्टैन ने। इन्होंने अर्चना गौतम और सलीन भनोट को पछाड़कर अपने लिए नंबर 3 पर पोजीशन हासिल की है। तो बता दें, वैसे आपको याद दिला दें कि स्टैन शुरुआत से ही शो को छोड़कर जाना चाहते थे। तो ऐसे में दर्शकों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को बिना कैसे बना सकते हैं जो खुद के जीतना ही नहीं चाहता अपने दम पर। तो बता दें, सलीन भनोट ने टॉप 3 में आने के लिए पूरा जोर लगाया, पर अफसोस है कि वो एमसी स्टैन से हार गए। बता दें कि हाल ही में सलीन ने स्टैन से कहा था कि वो बिना बनना डिजर्व नहीं करते हैं क्योंकि शो में उनका कोई योगदान नहीं है। इस बात पर तो स्टैन रो दिए और उन्होंने कहा कि उन्हें भी बुरा लगता है। तो दोस्तों बता दें, दरअसल एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनका यहाँ पहुंचना कोई आश्चर्य नहीं है। रही बात अर्चना गौतम की, तो उनकी हरकतों को जरूर मिस किया जाएगा। तो अर्चना खुद को टॉप 3 में मान रही थी, घर वालों और जनता के वोट के जमकर अपील भी कर रही थी। हाल ही में इन सबका कुछ फायदा नहीं हुआ और बता दें, अर्चना और सलीन घर से बेघर होने वाले हैं। वहीं टॉप 3 में पहुंच गए हैं एमसी स्टैन से उठाकर प्रियंका। तो कैसी लगी न्यूज़, तो अभी कमेंट करके जरूर बताना।